वेलकम टू माई चैनल। टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट पर्ल एस बक। पर्ल एस बक एक अमेरिकन राइटर और नॉवलिस्ट थी। शी इज़ बेस्ट नोन फॉर द वर्क द गुड अर्थ, अ बेस्ट सेलिंग नॉवल इन द यूनाइटेड स्टेट्स। आप ऐसा मान लीजिए कि इनको सिर्फ इसी वर्क के लिए सबसे ज़्यादा एप्रिसिएशन मिली। वैसे तो इन्होंने कई वर्क्स लिखे, पर सबसे ज़्यादा अगर एप्रिसिएशन की मैं बात करूँ तो गुड अर्थ के लिए इसको मिली। साथ ही साथ 1931 में और 1932 में पर्ल एस बक का काफ़ी नाम हुआ। The Enemy, East और West Wind, ये सब इन्हीं के वर्क्स हैं। पर जिसके लिए आज भी ये जानी जाती हैं वो थी ये कि फर्स्ट अमेरिकन वुमेन थी जिनको पलिट्जर और नोबेल प्राइज मिला था। 1938 में पर्ल बक वॉज अवार्डेड फॉर नोबेल प्राइज इन लिटरेचर फॉर हर एपिकल पोर्ट्रेल ऑफ चाइनीज़ पीजेंट लाइफ। मतलब चाइनीज़ की जो फार्मिंग लाइफ होती है, पीजेंट लाइफ होती है, और बायोग्राफीज़ ऑफ हर पेरेंट्स, इस चीज़ के लिए ये काफ़ी ज़्यादा मानी जाती थी। मोस्ट ऑफ द थिंग्स में, मोस्ट ऑफ द नॉवेल्स में यही इनका थीम रहता था कि चाइनीज़ पीजेंट की लाइफ को डिपिक्ट करना और अपनी पेरेंट्स की बायोग्राफी को लेकर आना। शी वॉज द फर्स्ट अमेरिकन वुमेन टू बी अवार्डेड बोथ द प्राइज, पुलित्ज़र एंड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। शी एंड हर सेकेंड हस्बैंड रिकर्ड वॉल्श अडॉप्टेड सिक्स चिल्ड्रन थ्रू द ईयर्स जब इनको नोबेल प्राइज मिला था। इंडीड अडॉप्शन बिकेम अ पर्सनल क्रूसेड फॉर बक। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे जैसे इनकी इनकम बढ़ती गई, इनका जब इनको नोबेल प्राइज मिली तब इन्होंने ऑलमोस्ट 6 बच्चों को अडॉप्ट किया था। एनिमी जो इनका वर्क है, द एनिमी, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी बाय पर्ल एस बक। सिंस द सेटिंग ऑफ द स्टोरी इज ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड इन जापान, सो इट्स अपेरेंटली अ वॉर फिक्शन स्टोरी। मतलब ऐसा मान लीजिए कि हर टाइप के फिक्शन लिखती थी, बट मोस्टली की अगर मैं बात करूँ तो चाइनीज़ पीजेंट लाइफ के बारे में ये लिखा करती थी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन विद द बेल आइकन सो दैट यू गाइज गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई पोस्ट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।